जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, जी वाई ए एन एस आई आर। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाय करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों इस वीडियो हम लोग राज्य सरकारों द्वारा जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं हाल ही में, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा लॉन्च की गई योजना को कवर किया जाएगा और केंद्र सरकार के लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। और यह वीडियो आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो पहली योजना है गोयम बिना मूल्य बीज योजन योजना। यह योजना गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस योजना की शुरुआत की है। और इस योजना का जो उद्देश्य है, प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप छतों पर सौर ऊर्जा की स्थापना को जो है बढ़ावा देना, इस योजना का उद्देश्य है। अगली जो योजना है राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम, इसे लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा और इसकी शुरुआत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसकी शुरुआत की है। और यह योजना किसके लिए है, जो सिविल सेवाओं की जो तैयारी करते हैं यह उन अभ्यर्थियों के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। और इस योजना के तहत जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनको तैयारी के लिए तेलंगाना सरकार 1,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगली जो योजना है श्रमिक बसेरा योजना, इसे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया था 18 जुलाई 2024 को। और इस योजना के तहत निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए एक अस्थायी घर उपलब्ध कराया जाएगा और श्रमिकों को इसके लिए 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है किराया चुकाना होगा। तो यह जो है यह एक आवासीय योजना है जो रेंट पर प्रदान करेगी गुजरात सरकार, जो श्रमिक निर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये योजना है और इसकी शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। अगली योजना है मुख्यमंत्री निजित मोयना योजना, इसे असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका जो उद्देश्य है राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को समाप्त करना, इस योजना का उद्देश्य है। और इसके लिए जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है असम सरकार के द्वारा, जो बच्चियां उच्च माध्यमिक शिक्षा में अपना नाम लिखवाएंगी, एडमिशन कराएंगी, उनको 1,000 रुपये प्रतिमा, जो 3 साल या 4 साल के डिग्री या स्नातक का जो कोर्स करेंगी उनके लिए 1,200 रुपये और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड में एडमिशन लेंगी उनके लिए 2,500 रुपये प्रतिमा असम सरकार प्रदान करेगी उन बालिकाओं को। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री मयन योजना, इसे 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लॉन्च करेंगे, इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ करेंगे और इसमें जो है महिलाओं को 1,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी प्रतिमा। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वह 21 से 50 वर्ष की, जो 21 से 50 वर्ष के बीच की जो महिलाएँ हैं उनको यह लाभ मिलेगा। स्कूल ऑन व्हील्स योजना, इसे लॉन्च किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा और राज्य में साल भर चले जाति संघर्ष के बाद राहत शिविरों में शरण के लिए छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मणिपुर सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है और इसका जो शुभारंभ है वह इम्फाल से किया गया है और इसका उद्घाटन राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा किया गया है। पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना, इसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका जो शुभारंभ है 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। और इस अभियान के तहत जो उत्तराखंड के जंगलों में जो चीड़ के पेड़ हैं उनकी पत्तियों को ग्रामीण या स्थानीय युवा उसको एकत्र करेंगे इस योजना के तहत और उसको जो है उसका संग्रहण केंद्र पर उसे ले जाएंगे और सरकार को वह बेच देंगे, सरकार जो है प्रति किलो के हिसाब से उसका पैसा देगी और वह पैसा उनके सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो फिर लाओ पैसे पाओ योजना जो लॉन्च की गई है वह उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा योजना, इसे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और इसका जो लक्ष्य है
हर साल 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन देकर 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है, यह उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। और सरकार ने इस पहल के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं माई युवा योजना के लिए। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, इसे लॉन्च किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा 6 मार्च 2024 को, और इसका जो उद्देश्य है राज्य में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और इस योजना के तहत जो भी महिलाएं विधवा महिलाएं पुनर्विवाह करती हैं उनको 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी झारखंड सरकार। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, इसे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वह 18 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं राज्य की उनको जो है इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमा हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। दोस्तों अगर आप UPSC RO री एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको फुल स्टडी मटेरियल, डेली क्लासेज, डाउट क्लियरेंस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ जो है आपको एक जगह प्रोवाइड की जाएगी, और इसके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 5000 रुपये रखी गई है। अगर आप डाउट क्लियरेंस का ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फीस रखा गया है वह 3500 रुपये रखा गया है। इसमें आपको डाउट क्लियरेंस ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी जो है सारे फीचर वही होंगे, सिर्फ आपको डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप नहीं मिलेगा। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस दोनों दी जाएंगी, इसके लिए जो फीस रखा गया है वह 2500 रुपये रखा गया है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 1200 रुपये रखी गई है, और इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं पेड क्विज, तो इसके लिए जो फीस है वो सिर्फ 900 रुपये है, और इसमें कम से कम जो है 5000 से क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8564880530 या 7523864455 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रामलला दर्शन योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, और इस योजना के तहत सरकार हर साल लगभग 20,000 निवासियों को जो है राज्य के जो निवासी हैं नागरिकों को श्री रामलला के दर्शन कराएगी अयोध्या में। इस योजना का उद्देश्य है योग्य श्री योजना, इसे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस योजना के तहत राज्य के SC और ST छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पूरी तरह से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, और अब जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसमें OBC और सामान्य वर्ग के लड़के लड़कियों को भी इस योजना में शामिल किया जाए। महतारी वंदना योजना, इसे छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है, और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी इस योजना के तहत, महतारी वंदन योजना 2024 के तहत। युवा निधि योजना, इसे कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है वह स्नातक और डिप्लोमाधारी जो बेरोजगार हैं राज्य में उनको जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना है, और जो डिग्री धारक हैं उनको 3000 रुपये प्रदान किया जाएगा, और जो डिप्लोमा धारक हैं उनको 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी कर्नाटक सरकार। लाभ योजना, इसे उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए लाभ योजना शुरू करने को मंजूरी दी है, और लाभ का जो फुल फॉर्म है लघु बाण जैत्य द्रव्य क्राय, यह इसका जो है लाभ शॉर्ट फॉर्म है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वन उपज के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी, यानी यह जो है आदिवासियों के लिए जो वन उपज होता है आदिवासियों का उनको जो है MSP के अंतर्गत लाएगी उड़ीसा सरकार। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, इसे असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसके तहत जो है जो राज्य की महिला उद्यमी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी असम सरकार, और इस योजना के तहत महिलाओं को जो उद्यमी हैं उनको 1 लाख रुपए तक का जो है ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी असम सरकार। स्वयं योजना, यह योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है युवाओं के लिए, और इस योजना के तहत जो राज्य के युवा उद्यमी हैं उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी सरकार उड़ीसा सरकार। वन मित्र योजना, इसे हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य हरियाणा में हरियाली बढ़ाना है, और
इसके तहत जो बेरोजगार युवा हैं और गरीब हैं उनको वन मित्र बनाकर अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनाना है। और इसी योजना के तहत सरकार जो है प्रति वृक्ष मानदेय देगी, जो भी वृक्ष लगाएंगे उनको सरकार मानदेय प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इसे राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी घोषणा जो अभी बजट जारी किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा उसमें इसकी घोषणा की गई है। और इस योजना के तहत जो मजदूर और रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको सरकार 2000 रुपये तक की पेंशन प्रदान करेगी और जिनकी आय 60 वर्ष से अधिक है। रेहड़ी पटरी वाले जो मजदूर हैं और उनकी आय 60 वर्ष से अधिक है तो उनको सरकार 2000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी, पेंशन देगी सरकार। अगला जो योजना है वह है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि जो राज्य के नागरिक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार उनको 3000 रुपये तक की 3000 रुपये प्रदान करेगी, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी 3000 रुपये प्रतिमाह। नंद बाबा दूध मिशन योजना, इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6 जून 2023 को यह मिशन शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान करना और उनको जो है सशक्त बनाना है जो दूध उत्पादक हैं। राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन पर अगले 5 सालों में 1000 रुपये आवंटित किए हैं, यानी सरकार इस मिशन पर पूरे 1000 करोड़ रुपये खर्च करेगी अगले 5 सालों में। गृहलक्ष्मी योजना, इसे कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस योजना के लाभार्थी वे महिलाएं हैं जो घर की मुखिया हैं, उनको सरकार 2000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी गृहलक्ष्मी योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की है और इस योजना के तहत जो महिलाएं 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हैं उनको सरकार 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही थी, अभी हाल ही में बढ़ाकर इसको जो है 1250 कर दिया गया है। यह जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।